हाँ, जो अमृतसर से खा के आए ना ये, वो तवा पनीर तब से मेरे पीछे पड़े हुए। रीमा, वो तवा पनीर कितना टेस्टी बनाता, क्या तुम बनाओगी मेरे लिए? हाँ, तवा को इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएगा। अब हम इसमें डालने वाले हैं पनीर के क्यूब्स, ये गए, और इनको भी मसाले में अच्छे से लपेट लेना है। तो ये बन गया हमारा तवा पनीर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो अभी सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी प्रशांत के लिए। मैंने सैंडविच जो बनाया था उसमें एग फिल कर दिया था, और अपने लिए मैंने पनीर वाला बनाया है। और आजकल मौसम जो है चेंज होने लगा है, थोड़ा ठंड बढ़ गई है इधर की तरफ। अभी इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं आई है, लेकिन यार बिना गर्म पानी के नहाया नहीं जाता आजकल। और मैंने आज हेड बाथ भी किया था, उसके बाद ये टॉवल टाइप की टर्बन है जिसे मैंने अपने बालों से लपेट लिया है। इस ये एक्स्ट्रा पानी भी सोकअप कर लेती है। तो अभी ना मैं कहीं जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। एक्चुअली मिनी दीदी ने ना मुझे अपनी किटी में इन्वाइट किया है, तो मैंने पहले कभी कोई किटी अटेंड नहीं करी है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है। और मेरी दीदी ने बड़े प्यार से बुलाया है, तो जाना तो बनता है। तो इसी रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, और ये किटी ना नई स्टार्ट हो रही है एक्चुअली, जिसमें पुराने लोग भी हैं और कुछ नए लोग भी जुड़ेंगे। तो मेरी दीदी ने बोला कि भाभी आप भी आओ, देखो अगर आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना आगे चल के, वैसे तो आपको अच्छा ही लगने वाला है। लेकिन मेरे पास ना यार टाइम की बहुत कमी रहती है, मैं बहुत ज़्यादा अपने कामों में बिजी रहती हूँ, फिर उसके अलावा शूटिंग भी करनी होती है, तो मैं ना ऐसे ना टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी, और आज तो जा ही रही हूँ। इनफैक्ट तो अभी जस्ट लौटी हूँ मैं किटी से, अच्छा लगा सब लोगों से मिलके। और ये नई किटी स्टार्ट हो रही है, तो सब लोग बोल रहे थे कि आप भी ज्वाइन कर लो। देखती हूँ मैं, अभी कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ अच्छा लगा सबसे मिलके। थोड़ी सी गपशप हुई ना, वो जो लेडी स्टॉक होती है ना वो वाली, तो अच्छा लगता है सबके साथ बैठ के। वैसे तो मेरे जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो प्रशांत हैं, बेस्ट एनिमी भी वही हैं और बेस्ट फ्रेंड भी वही हैं। ना मरे चैन ना जिए चैन वो वाली कहावत सुनी है ये? हंस मुझे बोल दिया भाई। हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है भाई हर किसी के घर में। चलो ठीक है, अभी डिनर वगैरह। तुम कुछ तवा वाली चीज बनाने वाली थी कह रही हो? हाँ, जो अमृतसर से खा के आए ना ये, वो तवा पनीर तब से मेरे पीछे पड़े हुए। रीमा, वो तवा पनीर कितना टेस्टी बनाता, क्या तुम बनाओगी मेरे लिए? तवा को इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएगा। कुछ भी तैयार करने से पहले मसाला बॉक्स फिल करना पड़ेगा, क्योंकि मसाला जो बॉक्स है वो पूरा का पूरा खाली हो रहा है। इसमें पिसे हुए मसाले रहते हैं, और इसमें रहते हैं मेरे साबुत मसाले, एक ये है और एक ये भी है मेरे पास, दो इस टाइप की मसाला बॉक्स। तो कुल मिला के 3 मसाला बॉक्स बना रखे हैं, किसी में साबुत मसाले हैं, किसी में पिसे हुए मसाले हैं। तो मैं जरा इसको भर देती हूँ, और जो स्टोर करने होते हैं वो मैंने इसमें स्टोर कर रखे हैं, और इसको मैं ऊपर लॉफ्ट में रख देती हूँ। तो तवा पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं ना सारी तैयारियाँ कर रही हूँ, जिससे कि जैसे ही मैं किचन में जाऊँ और काम तुरंत हो जाए। मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना चाह रही किचन में, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं डाइनिंग टेबल पर आकर सारी कटिंग कर लेती हूँ। और कटिंग और चॉपिंग की सबसे अच्छी प्लेस डाइनिंग टेबल ही होती है। आप लोग भी करते होंगे जब कभी मन नहीं होता होगा ज़्यादा देर किचन में खड़े होने का, क्योंकि आपको पता है एक दूसरे से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ी वीकनेस लग रही थी मेरे को। सारी कटिंग एंड चॉपिंग हो गई, और अब स्टार्ट करते हैं कुकिंग। लाइट जला ले पहले, अंधेरे में कुकिंग कैसे करेंगे हम ना। सबसे पहले हम बॉईल करेंगे, तो यहाँ पर टमाटर लिए, अनियन ले लिए, दो टमाटर लिए, 3 अनियन लिए हैं मैंने, और मोटा मोटा ही मैंने काटा है क्योंकि मैंने बॉईल करना है। यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 1 हरी मिर्च ले ली है, थोड़े से काजू ले लिए यानी कि 1 मुट्ठी के करीब, मैंने अदरक ले ली है 1 से 1.5 इंच कटी हुई, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ उसमें, थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, और इसको बॉईल करने के लिए रखना है। लगभग हमें 1 विसल लगा लेनी है।
तो जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक हम ना एक मसाला तैयार करेंगे जो कि हम डालेंगे तवा पनीर में। तो यहाँ पर है ये सारे इंग्रेडिएंट जिनसे हम तवा मसाला तैयार करेंगे, और ये मसाला जब बनकर तैयार हो जाएगा इस मसाले को आप स्टोर कर सकते हो किसी भी बोतल में, और जितनी भी आप ड्राई सब्जियां बनाते हो उनमें डाल सकते हो, प्लस तवे वाली जो सब्जियां होती है उनमें डाल सकते हो, जैसे तवा भिंडी है या भरवा भिंडी है उनमें भी डाल सकते हो। इसे बनाने के लिए मैंने ली है दालचीनी, जायपत्री, 8 से 10 काली मिर्च, 2 बड़ी साबुत लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून रेगुलर वाला जीरा और 1 टीस्पून शाही जीरा, 2 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 7 से 8 लौंग, और इसके साथ मैंने 1/2 टीस्पून के करीब मेथी दाना लिया है। सबको ड्राई रोस्ट कर लेना है इस तरीके से, और उसके बाद हम इसे मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। हेलो गाइस, तो आज मेरी रिक्वेस्ट पे कुछ कुछ स्पेशल बन रहा है किचन में, और बन रहा है तवा पनीर, और वो भी स्पेशल रेसिपी से बनाया जा रहा है। सब कुछ घर में ही बना रही है, रीमा ने मेरे को अभी बताया। ये जो मसाला है ये मैं जितनी भी ड्राई सब्जियां होती हैं उनमें डाल लेती हूँ, और साथ में जो भरवा भिंडी बना रहे हो या भरवा बैगन बना रहे हो, कोई भी भरवा सब्जी बना रहे हो उसमें डाल लीजिए, स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो घर का पिसे हुए मसालों की खुशबू भी बहुत ज़्यादा दिनों तक रहती है, और इसलिए मैं स्पेशली खत्म हो गया था तवा पनीर के लिए बना के फिर से रख रही हूँ, आगे भी काम आ जाएगा और चीजों में। यस, तुम्हारी मिक्सी बदलने का टाइम आ गया। मिक्सी कुछ बचा ही नहीं है देखो। हाँ। कोई घिस चुकी है, और 2-3 की तो रबड़ की भी गायब हो गई है। हाँ। मतलब धुल धुल के टूट गई है। इसको 5 साल सुजाता सुनिए कि बहुत अच्छी है इस मामले में। 5-5.5 साल से चला रही हूँ मैं ये मिक्सी। अब ये जो मैंने बॉइल की थी ना, प्याज टमाटर काजू वगैरह लहसुन अदरक सब कुछ है इसमें, ये भी थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा और हल्का सा पानी मिला के देन इसको मैं मिक्सी में पीसूंगी। जब भी मैं कुछ ऐसा पीसती हूँ ना थोड़ा भी गर्म, मुझे डर लगता है उड़ ना जाए। और हाँ, एक बार उड़ चुका है। इसी किचन में उड़ा है? इस किचन में भी उड़ चुका है, याद नहीं, बहुत सफाई करनी पड़ी थी, पूरा नीचे नीचे सब गिर गया था। अब से मुझे बहुत डर लगता है। मैं पता ना लॉक वाली लेना चाहती हूँ, इसलिए मिक्सी जिसमें लॉक लग जाता हो। तो ये ड्राई मसाला तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें सारे साबुत मसाले डाले थे। अभी इसमें थोड़ा सा और 2 इंग्रेडिएंट और ऐड करने हैं, जैसे ये ब्लैक सॉल्ट है, ये मैंने 1 टीस्पून ले लिया है, और इसमें अमचूर लेना है, अमचूर भी मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। बस ये 2 इंग्रेडिएंट के बाद ये पूरा मसाला बनकर तैयार है। भगवान जी का नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं यार। तुषार प्लीज तुम हाथ रखो, भगवान जी प्लीज। ये पिस गया है मसाला, तो फाइनली सब कुछ तैयार हो चुका है। अब हमें बनाना है तवा पनीर। तवा पनीर बनाने के लिए हम तवा लेंगे, ये फ्लैट तवा है, थोड़ा सा अगर ढलान वाला तवा हो आपके पास उसे यूज करो, लोहे का तवा हो वेलन वुड उसे यूज कर सकते हो आप। मैं लोहे पे बनाऊं उसे या फिर मैं इसी पे बना लो? ये मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, लोहे का तवा मेरा थोड़ा छोटा सा है। मंगा लेना। तो नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है। और ये तवा पनीर बनाने के लिए आप चाहो तो बटर का यूज कर सकते हो, और चाहो तो देसी घी का यूज कर सकते हो। और अब हम इसमें डालेंगे जीरा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, ये 1 प्याज है जो मैंने बारीक चॉप करी है, पहले इन्हें भून लेते हैं। प्याज थोड़ी थोड़ी ब्राउन होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो, बहुत थोड़ी सी कैप्सिकम ली है ग्रीन वाली, इसी तरीके से मैंने येलो भी ले लिया, और इनको मैंने इतने छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 2 या 3 रंग की कैप्सिकम हो तभी आप यूज़ करो, 1 रंग की भी है तो भी चलेगा। तो ये धीरे धीरे भूनती रहेंगी, इन्हें हमने एक साइड कर दिया है, और यहाँ पर जो हमने ये प्योरे बना के तैयार किया था ना इसको भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। भुनते समय ही हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इससे अच्छा कलर आ जाएगा आपके इसमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून ये जो घर का मसाला हमने बना के तैयार किया है तवा मसाला, 2 से 3 चम्मच डाल सकते हो आप, क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा बना रहे हो तो 3-4 टीस्पून डाल लो। इस मसाले को मैं बहुत अच्छे से भूनना है,
तो इसके लिए हमें कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, तो भूनते रहिए। आप चाहो तो आप इसमें ये सब्जियां मिक्स कर सकते हो और इसको भूनने दीजिए। मसाले को डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। तो जैसे जैसे ये मसाला भुनता चला जाएगा ना, वैसे वैसे इसका कलर बहुत अच्छा आता चला जाएगा। तो इसका जो कलर है वो कुछ रेड ब्राउन कलर का आएगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसमें डालने वाले हैं पनीर के क्यूब्स, ये गए, और इनको भी मसाले में अच्छे से लपेट लेना है। ऐसे अलट पलट करते रहिए, अच्छे से कोट कर दिया है मैंने पनीर को। धनिया आधी चम्मच के करीब, देसी घी, और थोड़ा सा इसमें लेमन जूस। तो ये बन गया हमारा तवा पनीर। तो यहाँ पर मैंने तवा पनीर की थोड़ी सी ड्रेसिंग कर दी है। एक बड़ी हरी मिर्च लेके स्लिट करके यहाँ लगा दी है, थोड़े से अनियन रिंग्स लगाए, और यहाँ पे ना मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया था और उस तरीके से मैंने डाल दिया है। तो इससे टेस्ट तो अच्छा आएगा ही और देखने में भी बड़ी अच्छी लग रही है। यस, जल्दी से खाने को मिल जाए तो क्या बात है। बस तवा पनीर जो बनाया है बहुत टेस्टी बनाया है। बहुत दिनों बाद मैं थक गई। तुम्हारे हाथों की कोई टेस्टी चीज खाई है? गुस्सा मत दिलाओ, तो मुझे बहुत देर से दिला रहे हो मुझे गुस्सा। तो अपने अपने उससे मेरे हाथ से अच्छा अपना तवा पनीर नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। मुझे टेस्ट तो करो। अरे सच्ची में नहीं है, मैं बीमार पड़ जाऊंगी अभी। बीमार टेस्ट तो कर लो। जो है बहुत टेस्टी है, वैसे ही बनाया जैसे हमने खाया था। हम नहीं नहीं खाना। ले और ले लो, मुझे खाना होता तो मैं अपने लिए नहीं। अच्छा तो ये तो ले लो, पनीर तो खा लो। तुम समझ पा रहे हो कि मेरी पेट अभी भी नाजुक है, मैं ज़्यादा नहीं खा सकती, मेरे को भूख ही नहीं लग रही इस वजह से। बहुत टेस्टी बना, यम्मी। भाई ये डिश बना के जरूर देखिएगा, मेरी रेसिपी बहुत अच्छी है, मजा आ रहा है। थैंक यू। बहुत देर से मुझे परेशान कर रहे थे, और जैसे ही कैमरा ऑन हुआ वैसे ही इतने सीधे बाबू बन गए। और पता है नीचे कमेंट सेक्शन में लोग क्या लिखते हैं, प्रशांत जी जितना सीधा इंसान। मैं सोचती हूँ कि यार सच्ची में ऐसा ही लगता होगा शायद दूसरों को, है अच्छे, लेकिन मैं ये मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत परेशान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं कह दूँ गुस्सा भी करते हैं, खूब गुस्सा करते हैं। गुस्सा तो इतना तेज है कि शायद आपने अभी तक देखा ही नहीं है। वो गुस्सा यूं आता है एकदम उफान की तरह से, जैसे दूध में उफान आता है ना, ऐसे आता है। चलो कोई बात नहीं, और फिर वो नीचे बैठ जाता है। फिर 5 मिनट तब तक तो मैं रो लेती हूँ। आज बहुत ही टेस्टी खाना था, आप लोग ये रेसिपी जरूर बना के देखना, और आज ही बनाना मेरे कहने पर। कल सुबह आप लोगों की प्लेट में होना चाहिए ये, प्लीज, मतलब बहुत अच्छी है। चलो आप इंजॉय करो, मैं जो है किचन संभाल लेती हूँ, किचन बहुत फैल गई है, पूरा किचन विचन समेटती हूँ, एंड देन मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। चलिए गाइस, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव, लव यू गाइस।